प्रयागराज हिंसा मामले में रविवार को बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर को पीडीए ने बुलडोजर से ढहा दिया। इससे पहले प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पंप का घर ध्वस्त करने के लिए पीडीए ने दो बुलडोजर पहुंचाए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इससे पहले पीडीए ने नोटिस चस्पा कर मकान खाली करने के लिए सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया था। आपको बताते चलें कि प्रयागराज में नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में एक्शन जारी है। प्रयागराज के अटाला इलाके में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने जावेद पंप को गिरफ्तार किया था। जावेद पंप की गिरफ्तारी के बाद प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीडीए भी एक्शन में आ गई है। इसके लिए रविवार को पुलिस प्रशासन ने जावेद के घर को छावनी में बदल दिया। बुलडोजर भी पहुंचे और घर ध्वस्त कर दिया। इसके लिए पुलिसकर्मी जावेद पंप के घर के अंदर भी दाखिल हुए। घर के अंदर से पुलिसकर्मियों ने सामान बाहर निकाला। आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों ने मकान की पहली मंजिल पर पहुंचकर भी कुर्सियां और अन्य सामान भी नीचे फेंक दिया। इस दौरान जावेद पंप के घर का दरवाजा अंदर से बंद था और घर में कोई भी सदस्य बाहर नहीं आया। आपको बता दें प्रशासन ने जावेद के घर पर बाहर छावनी कर दी। प्रयागराज हिंसा मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्य आरोपी जावेद के घर पर चला बुलडोजर। घर ढहाने से लगे दो बुलडोजर, बाहर निकाला सामान। पीडीए ने नोटिस चस्पा कर ढहा दिया पूरा मकान। टीम वहां पर मौजूद थी, मैं भी वहां पर घायल हुआ। और उसके बाद आपको बता दूं कि आज यह घर टूटने जा रहा है। बस सबसे कुछ पलों बाद यहां पे फोर्स आ चुकी है, पीएसी सज चुकी है, आरएफआई टीम भी आ चुकी है। बस सबसे कुछ ही पलों बाद यहां पर कार्रवाई शुरू होने जा रही है और इनका घर अब से बस कुछ ही पलों बाद यहाँ पर गिरा दिया जाएगा। बता दूँ आपको कि मुख्य आरोपी है इस समय प्रयागराज जनपद में। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अब मुख्य आरोपी उनका घर है जो इस पथराव में सब जिनको मास्टरमाइंड माना जा रहा है प्रयागराज पुलिस की तरफ से।